रिंकू सिंह के नेपाल के खिलाफ एशियन गेम्स में आखिरी ओवर में बनाए रन भारत के जीत के कारण बने। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जानते हैं। बता दें एशियन गेम्स में इंडिया और नेपाल का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में हुआ, जहां भारतीय कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 202 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के इस पहाड़ जैसे स्कोर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने 47 गेंदों में 100 रन बनाए और साथ ही अंत में बनाए रिंकू सिंह के 15 गेंदों में 37 रन भी भारत के जीत के कारण रहे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 19वें ओवर तक भारत का स्कोर 179 रन था और रिंकू सिंह ने 20वें यानी आखिरी ओवर में 2 छक्के 2 चौके, 1 डबल और 1 सिंगल के साथ कुल 23 रन बटोरे, जिस वजह से भारत का स्कोर 200 पार कर गया और नेपाल की टीम मात्र 179 रन बना सकी और ये मैच 23 रनों से हार गई। साथ ही नेपाल के खिलाफ इस जीत में भारतीय गेंदबाजों का भी अहम योगदान रहा, जहां भारत की तरफ से रवि बिश्नोई और आवेश खान ने 3-3 विकेट लिए, वहीं अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिला और आर साई किशोर ने 1 विकेट झटका। वहीं इस मैच में यशस्वी जायसवाल को उनके तूफानी शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।